एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप घर में समझ होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ बहुत नॉर्मल सा प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी ये सब प्रोडक्ट मेरे अपने खुद के मंगाए हुए हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको खोल दिया था देखने के लिए कि ताकि कोई गलत चीज़ तो नहीं आई है, लेकिन नहीं, सही चीज़ सही आई थी। तो मैंने इस तरह से इसकी पैकिंग थोड़ा सा खोल दी थी। तो क्या आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे होगे कि कोरियर के अंदर बॉक्स के अंदर कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको खोल के देखा कि अंदर है प्रोडक्ट सही है ना, तो मुझे प्रोडक्ट कुछ सही मिला है। तो ये है क्या, ये है, ये देखिए, ये है पेपर्स। ये हमारा जो साबुन बनाते हैं उसका बेस है। हमने ये, मैंने ये साबुन मंगाया कि इससे हम बहुत आइटम बना सकते हैं। पियर सोप लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, एक पियर सोप में हमारी एक ही बनेगी। तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है कि इसको पीसेस कर करके, कट कर करके हमारे इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच तरह के साबुन हमारे इसमें बन जाएंगे। तो इसमें आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे साबुन बनाने हैं और कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से इसमें मिक्स करके मैं क्या क्या साबुन बनाती हूँ। तो ये है मतलब प्योर ग्रीसलिन बेस साबुन है। इसका प्राइस है 299 और ये मुझे मिला है 190 का। और ये 450 ग्राम है, हाँ 450 ग्राम है ये पूरा ग्रीसलिन सोप बेस है, मतलब कि लिखा हुआ है इस पर। तो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, इसमें इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रखा है, स्टार भी मेंशन कर रखे, भाई अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे को 5 रेंटिंग या आपकी मर्जी है जितना मर्जी रेंटिंग दे सकते हो। और इसको स्मॉल पीस कर करके, मतलब कि इसमें डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में इसको मतलब कि इस्तेमाल करना है हमारे को जो मेल्ट करना है। डबल बॉयलर तो आपको सबको पता ही है हम कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं उसी तरह से हम इसको मेल्ट करते हैं। मतलब नीचे एक बाउल होता है, उसमें पानी होता है, उसके ऊपर फिर एक बाउल रखते हैं, उसके अंदर फिर ये हम जैसे चॉकलेट मेल्ट करते हैं इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो मेरी आने वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना कोई भी, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ मंगाई है मैंने, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको इसका बना के भी दिखाऊँगी मैंने क्या बनाया है, इसके साथ कौन कौन से साबुन मंगाया और वो साबुन कैसे यूज़ होते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, मैं बहुत मतलब कि इससे बताऊँगी। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना मेरी कोई भी वीडियो। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कैसे है इसका, खोल के पूरा पाउच खोल के दिखा रही हूँ। इसके साथ इस तरह से हमारे को कार्ड मिला है, इसमें सारा कुछ मेंशन है कि ये है क्या है। ये देखिए इस तरह से आए हैं और ये है, वाह एकदम ऐसे लग रहा है, इस तरह से ऐसे लग रही है ना बर्फ़ की सिल्ली है, लेकिन ये बर्फ नहीं है, साबुन बेस है। तो थोड़ा हाथ चुप चुप हो रहे हैं, कोई बात नहीं मैं तो लूँगी। ये देखिए ये मैंने मंगाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम ग्रीसलिन सोप ले तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें कलर ब्राउन आएगा। और इसमें क्या फ़ायदा है कि जो भी चीज़ का हम डाल के बनाएंगे, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी इसमें मिलाते हैं तो इसमें येलो शेड आएगा थोड़ा, अगर हम इसमें नीम का सोप बनाते हैं तो इसमें ग्रीन कलर आएगा, अगर हम इसमें हेयर रिमूवर पाउडर डालते हैं तो उसमें ब्राउन शेड आएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे कलर, मतलब कि ऑप्शन में जो भी इसमें मिलाते जाएंगे इसमें वो कलर आते रहेगा। वो बात पियर सोप में नहीं आती, तो थोड़ा यूज़ करने में ना थोड़ा वो लगता है कि हाँ भी थोड़ा अलग है, लेकिन ये हम बनाएंगे तो हमें लगेगा हाँ जी हमने कुछ बनाया है। तो ये मैंने साबुन बनाया मंगाया है और आप मुझे बताना और आप भी मंगाना, ताकि जो मैं बनाऊँगी ताकि उसको आप भी बना सकें। 190 का है ये, मैंने अमेजोन से मंगाया है, बाकी सामान सारा मैंने मीशो से मंगाया है, जो मैंने अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ वो सारा मैंने सामान मीशो से मंगाया है। ये मैंने अपना मंगाया है अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन पे प्राइस थोड़ा सही था तो इसे मंगा लिया। तो आप बताइए आपको ये मेरा रिव्यू
बताने का तरीका कैसा लगा है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी मेरे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।